जब तक सूरज चांद रहेगा दीपक तेरा नाम रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। भारत चीन सीमा में 45 साल बाद भारतीय सैनिक शहीद हुए, उनमें से एक थे दीपक, जिनको अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नम आंखों से परिजनों और चाहने वालों ने विदाई दी। देखिए यह रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह कहा करते थे, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिख जाता है। जी हाँ, अपने जीवन को कुर्बान कर देने वाले, पल प्रतिपल मौत के साए में बैठे रहने वाले, अपने घर परिवार से दूर नितांत निर्जन में कर्तव्य निर्वहन करने वाले जाबाज सैनिकों के लिए बस चंद शब्द, चंद वाक, चंद फूल, दो चार मालाएं, कुछ आंसुओं की बूंदें, दो चार दीप जलाकर हम उनको सलामी देते हैं। लेकिन कभी सोचा है, जिनकी गोद सूनी हुई, जिनका सुहाग उजड़ा, जिनका भाई जुदा हुआ और जिनके बुढ़ापे की उम्मीदें खत्म हुई, उनके लिए उनको विस्मृत कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अमर शहीद दीपक सिंह को अंतिम विदाई देने का समा कुछ ऐसा ही था। विंध्य के लाडले सपूत दीपक को श्रद्धांजलि देने उनके अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित हजारों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। बादलों की ओट में नम आंखों से सभी ने अपने लाडले को याद किया। भारत चीन विवाद में 45 साल बाद सैनिकों की शहादत हुई, उनमें एक थे रीवा के दीपक सिंह, जिनके अंतिम दर्शन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित आसपास के ग्रामीण जन मौजूद रहे। दीपक को अंतिम विदाई देने के लिए उनके साथी अपनी वर्दी में मौजूद थे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दीपक की अंतिम विदाई हुई। हम आपको बता दें, दीपक का जन्म 15 जुलाई 1989 को हुआ था। 20 जून सन 2012 को दीपक ने बिहार रेजिमेंट 16 को ज्वाइन किया और दीपक की शादी 30 नवंबर सन 2019 को हुई। दीपक की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। दीपक के पिता गजराज सिंह और दादी दीपक के मौत से बहुत सदमे में हैं। वहीं पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अभी हाल में ही 14 फरवरी को कोरोना वायरस फैलने के पहले दीपक अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने गए थे। पत्नी से यह कहते हुए गए थे कि अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए कश्मीर की पश्मीना शाल लेकर आऊंगा। लेकिन नियति का दस्तूर देखिए, लौटे तो तिरंगे में लिपटे हुए। भैया जब तक तुम्हारा चैन रहेगा चला साइड में इधर जगह दीजिए, इधर जगह दीजिए पीछे।
बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। सर 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 बैठ बैठ ली बैठ ली घर का बैठा दीजिए पीछे वाले आने वाले सलामी दे मालिक कर ऐसा ना मोड़ी पैसा Thank you.
इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है, इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों से, परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम और स्मृति को अमर करने के लिए हम वो व्यवस्था करेंगे। न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम भी शहीद को सलाम करती है। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।